प्रयास किया था कि कुछ मामला करना चाहिए। 13 तारीख की ये घटना है जिसमें एक घर के अंदर पुलिस वाली वर्दी पहनकर कुछ लोगों ने घुसकर और लूट की वारदात करने की कोशिश की थी। इस वारदात को जब डिटेल में फॉलो किया गया और पूरी टीम जब लगी तो उसके बाद वारदात का आज खुलासा हुआ है, तो इसमें जो बात सामने आई है वो ये आई है कि कुछ लोग जेल में, इन्होंने बेसिकली, हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें से 2 लोग शरण देने वाले हैं और 4 लोग एक्चुअल घटना के अंदर संलिप्त थे। इसमें से जो 2 फरार अपराधी हैं वो काफ़ी आदतन अपराधी हैं, उनका काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग जेल में एक साथ थे और इन लोगों को इस प्रकार से सूचना मिली कि जो परिवादी है इसके पास अच्छे पैसा होने की संभावनाएं हैं, तो इन्होंने जेल में साथ में रहकर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई। प्लानिंग बनाने के बाद जब ये बाहर आए तो एक संजय मीणा है जो यहीं पर गर्दनी थाना क्षेत्र में रहता है पास में, उसकी दोस्ती जो थी वो इन दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के साथ थी, विक्की नाम का जो अभियुक्त है उसके साथ थी। उसके साथ मिलकर इन्होंने पूरा का पूरा प्लान बनाया। प्लान बना के इन्होंने यूपी से 2 लोगों को बुलाया और अपने जानने वाले 1-2 और लोगों को बुलाया और इस प्रकार से सभी लोगों ने मिलकर, 6 लोगों ने मिलकर घटना कारित की, जिसमें एक आदमी ने यूनिफॉर्म पहनने के बाद महिला को ये कह के कि कोई झांसा दे के इन्होंने कोशिश की कि ये घर के अंदर घुस जाए और हथियार इनके पास थे और डकैती की वारदात करने की कोशिश की, पर महिला की जो परिवारियाँ थी उनकी सूझबूझ और इसकी वजह से ये घटना टल सकी और इस घटना का इस प्रकार से खुलासा हुआ और 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और उनकी बात सामने आई कि पास जो ऐप था, मोबाइल ऐप था, मोबाइल इसमें यूज नहीं लिया उन्होंने, कुछ चाइनीज ऐप काम में लिया था। हाँ बिल्कुल, ये जो है अब अपराधी जो है समय के साथ साथ बहुत चालाक होते जा रहे हैं और ये लोग नॉर्मल फोन का यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल फोन का यूज करने की जगह एप्लीकेशंस का यूज करते हैं और एप्लीकेशंस भी ऐसी यूज करने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मल नहीं होती और ट्रेस नहीं हो पाती है। तो इनको तलाश करने के लिए हमारी टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी, एकदम लगातार सीसीटीवी फुटेज के थ्रू इनको कंटिन्यूसली ट्रेस किया गया। 1 हफ्ते तक पूरे का पूरे रास्ते पे बार बार ट्रेस करने के बाद फाइनली जहाँ पर इन्होंने शरण ली थी वो जगह लोकेट हो पाई, जिसमें हमारी जो कॉन्स्टेबल्स हैं, जो हमारी करधनी थाने की टीम है, उनकी जो अपनी मानव, जिसको आप कहते हैं मानव संसाधन का बहुत अच्छा यूज़ किया, पता किया गोपनीय सूत्रों से और ये पता किया कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये लोग छुपे हुए थे, जब तक हमें पता चला तब तक वो वहाँ से निकल गए थे। तब जो जिन 2 लड़कों ने इनको शरण दी उन लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद एक से एक कड़ी जोड़कर पूरे वारदात का खुलासा।